बाइबल की कहानियों की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है इन कार्यक्रमों में हम आपको यीशु मसीह के जीवन से संबंधित कहानियों के बारे में बता रहे हैं हम उसके चमत्कारों के बारे में बता रहे हैं आज हम आपको एक दूसरे आश्चर्यक्रम के बारे में बताएंगे जो प्रभु यीशु ने किया ये यौहाना की पुस्तक उसके छठे अध्याय में निहित है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ तब अंधकार हो गया और उसके चेले जो समुन्द्र के किनारे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे उस देख रहे थे कि कब यशो आएंगे परंतु जब अंधेरा छा गया और यशो मसीह वापस नहीं आए तो वह एक नाव में घुस गए और कापरनूम की झील की तरफ नाव को ले जाने लगे और शीघ्र ही समुद्र में ज्वार आया टाइड ऊपर हो गया और वह बहुत अधिक रफ़ हो गया समुद्र में ऐसा था जैसे नाव डूब जाएगी जब वे वह वहाँ से लगभग चार ही मील दूर थे उन्होंने देखा कि यशु नाव की तरफ समुद्र पर चलकर आ रहे हैं समुद्र के ऊपर परमेश्वर का पुत्र चलकर आ रहा था आप हैरान हो जाएंगे ऐसी बात भी हो सकती है वह डर गए और परंतु यशु ने उनसे कहा डरने की कोई आवश्यकता नहीं तब उन्होंने नाव में उसे आने के लिए कहा और नाव वहाँ गई जहाँ वे जा रहे थे और वो यशो मसीह वहाँ आ गए अगले दिन सुबह भीड़ समुद्र के किनारे एकत्रित होने लगी क्योंकि वह जानता था कि वह उसके शिष्य उसे छोड़कर चले गए हैं तिबेरिय से अन भी कई नाव उनके साथ थी और जब उन्होंने यशु और उनके चेलों को नहीं पाया तब वह भी नाव को ढूंढने के लिए काव कापर नामक नगर की और चले जब उन्होंने उस उसको ढूंढ लिया तो उससे ये कहने लगे आप यहाँ कैसे आए यशु ने उत्तर दिया सच्चाई ये है कि मैं तुम मेरे साथ इसलिए हो कि मैंने तुम्हें शारीरिक रोटी खिलाई है में ना कि इसलिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो आपका ध्यान नाश होने वाले खाने की तरफ तो है परंतु उस शक्ति की तरफ नहीं जो आपके जीवन में अनंत जीवन ला सकती है परमेश्वर ने दरअसल मुझे इस काम के लिए भेजा है उसने उत्तर दिया हमें ये बताइए कि परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए हम क्या करें यशु ने कहा कि परमेश्वर की ये मर्जी है कि उस पर विश्वास करो जिसने मुझे यहाँ भेजा है उन्होंने उससे कहा तुम और आश्चर्य कर्म करो जिसे हम जाने कि आप ही मसीहा हो हम बिना किसी भी कीमत के हमें प्रतिदिन की रोटी दो जिस प्रकार हमारे पिता परमेश्वर ने भी दी थी जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा पुराने नियम में जब इसराइल के लोग बियामान में थे तो परमेश्वर ने उन्हें रोज़ आकाश से रोटी फेंकी थी भेजी थी मूसा ने उन्हें स्वर्ग से रोटी दी थी यशु ने ये कहा मूसा ने तो उन्हें नहीं दी वरन मेरे पिता परमेश्वर ने दी थी मैं तुम्हें भी अब सच्ची रोटी स्वर्ग से दे रहा है सही रोटी मैं ही हूँ जिसने परमेश्वर जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है और वह दुनिया को जीवन प्रदान करता है उन्होंने कहा सर मानवर वह रोटी भी हमें प्रतिदिन के लिए दो यीशु ने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूँ जो कोई मेरे पास आएगा वह भूखा नहीं रहेगा जो मुझ पर विश्वास करेगा वह प्यासा नहीं रहेगा इन कार्यक्रमों में हम आपको सही रोटी के बारे में बता रहे हैं मनुष्य का जो जीवन है आप देखिए सुबह से शाम तक बरसों तक महीनों तक सार सारा जीवन रोटी के चक्कर में ही आप सबसे पहले बच्चे होते हैं स्कूल जाते कॉलेज जाते हैं फिर इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं तरह तरह है की फिर शादी करते हैं फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोटी का झगड़ा चलता रहता है और हम कई बार इस सत्य को नहीं जान सकते कि सही रोटी कौन सी है हम लोग बीमार हो जाते हैं अस्पतालों के चक्कर ले जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं फिर मर जाते हैं तो जीवन का मकसद क्या है कभी आपने और मैंने विश्लेषण किया है हम इस संघर्ष से कैसे निकलें आखिर बाइल में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा एक दिन वो अब हमें हमें उसी के सिंहासन के सामने जाना पड़ेगा हम लोगों को ये समझ नहीं आती और सारा जीवन इस तरह से व्यतीत हो जाता है और फिर हम सुनते हैं फिर शहरों में गाँव में तो फलाना फलाना आदमी गुजर गया कई बार हम बैठ कर विचार करना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है आप किस लिए इस धरती पर आए हों भजन संगीता नब्बे में आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन अस्सी नब्बे साल दिया है अस्सी नब्बे साल की उम्र में हमें समय दिया गया है कि हम सही रोटी को जान सकें बाइबल ये बताती पूरा तो मैं भजन संगीता नब्बे नहीं पढ़ सकता आप खुद ही पढ़ लीजिए बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और मनुष्य पृथ्वी पर है और पृथ्वी पर उसे नियुक्त किया गया है कि वो शासन करे। लेकिन पृथ्वी पर एक और भी राजकुमार है जिसे शैतान कहते हैं जो मनुष्य का दुश्मन है जो मुझे और आपको गलत शिक्षा से प्रभावित कर कर मेरे और आपको को कर हमारी जो परमेश्वर की धरोहर धरोहर है उसको छीन लेता है उसे समाप्त कर देता है जीवन की समस्याएं, दुख, पारिवारिक कले दूषित सामाजिक वातावरण हमारी सारी ताकत को समाप्त कर देता है ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों के लिए लेकिन कुछ लोगों के लिए बुद्ध और सुख शांति स्वास्थ्य संपन्नता इत्यादि आधारभूत आवश्यकताएँ हम से हम लोग वंचित रह जाते हैं शैतान और दुष्ट आत्माएं हमें निरंतर गलत विचार धारा पर चलाकर परमेश्वर से दूर ले जाती हैं बाबिल में ये भी लिखा है कि एक दिन ये मुकर है अंग्रेजी में कहते हैं इट इज़ अपॉइंटेड फॉर ईच मैन टू डाई जैसे आपका हाई स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना उसमें डेट ऑफ बर्थ है इसी तरह परमेश्वर के रजिस्टर में मेरी और आपकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी है तो वो जो दिन ऐसा है एक दिन जब आप हो जाएगा तो हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे दोस्तों मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ मौत से लेकिन ये एक वास्तविकता है अगर हमारे जो पैर हैं ज़मीन पर हैं अगर हम आकाश में नहीं उठते तो हम हमें ये याद रखना चाहिए कि एक दिन मेरा और आपका देहांत हो जाएगा दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृत्यु के बाद लेकिन उसके बाद परमेश्वर हमारा न्याय करेगा लेकिन उसको जानना जिस रोटी के बारे में यशो मसीह ने बताया है उस रोटी को से परिचित होना से अवगत होना हमारे इस जीवन काल में संभव है परमेश्वर ने हमें इतना लंबा जीवन दिया हम जान सकते हैं सब उपदेशक बारह तेरह में ये लिखा है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं को मानो यही मनुष्य का कर्तव्य है यही उसका उद्देश्य है क्योंकि वह हर एक बात का चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो स्पष्ट हो या छुपी हो न्याय करेगा यशु मसीह की प्रोफाइल ये है कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने दुनिया में अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा उस उसके मेरे और आपकी तरह उसके हाथ पैर कान थे मनुष्य बनाकर भेजा जिससे वो हमारे दुख तकलीफ को जाने और वह तो परफेक्ट निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र था लेकिन वो धरती पर आकर उसने जिसके बारे में आपको हम बाइबल की कहानियों से बता रहे हैं मुर्दों को जिंदा किया बीमारों को चंगा किया दुष्ट आत्मा को निकाला उसने अनंत जीवन का संदेश दिया उसने जीवन की रोटी के बारे में बताया वही मेरे और आपके लिए मृत्यु के उपरांत अनंत जीवन का प्रबंध कर सकता है मेरा और आपके जीवन का जो सही उद्देश्य है सही रोटी को जानना है उसने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूँ यीशु मसीह को जानना उससे संबंध बनाना पापों की क्षमा मांगना जीवन में सुख और शांति ला सकता है और हमें मृत्यु उपरांत अनंत जीवन की ओर अग्रसर कर सकता है दोस्तों ये बाइबल में लिखा है पुराने नियम की जितनी भी किताबें हैं वो एक मसाया एक उद्धारकर्ता एक ऐसे यीशु मसीह एक परमेश्वर के बारे एक पुत्र के बारे में बताता है जो आएगा और जो मनुष्य के उद्धार का कारण बनेगा और इसी बात को आगे बढ़ाया जाए तो यीशु मसीह इस दुनिया में थे 2000 वर्ष पहले वो तीस साल का जीवन व्यतीत किया तीन साल उन्होंने परमेश्वर के राज का प्रचार किया उसके बाद जो धार्मिक गुरु थे उनकी ईर्ष्या के वजह से उनको सूली पर चढ़ा दिया गया लेकिन वो तीन दिन बाद मुर्दों से ज़िंदा हो उठे ये सब आप बाइबल में पढ़ सकते हैं और वो जीने के बाद वो अपने चेलों को नजर आए और वहाँ से उनका स्वर्गारोहण हुआ और आज वो पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं और वो मेरे और आपके मरने के बाद न्याय करेंगे और वापस भी इस धरती पर आएंगे और वो शैतान के राज्य का नाश कर सकेंगे करेंगे ये पक्की बात है ये बाइबल का वचन है बाइबल परमेश्वर का वचन है अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप भी बाइबल की एक प्रति मंगा कर पढ़ सकते हैं बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया देखिए प्रेम अनकंडीशनल प्रेम क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है इसलिए वो मुझे और आपको प्रेम करता है कि अपना इकलौता बेटा दे दिया मुझे और आपको बचाने के लिए परमेश्वर को क्या पड़ी लेकिन उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया यीशु मसीह जो रोटी बन के आया इस धरती पर और बाइबले भी, भी कहती जो उस पर विश्वास करेगा जो हरेक के लिए नहीं केवल जोश पर विश्वास करेगा फिर आगे लिखा वो नाश नहीं होगा मैं और आप अगर उस पर विश्वास करेंगे तो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएगा नाश तो इस धरती में शैतान हमारी परिस्थितियां कई बार हमारा नाश करते हैं कुछ आप में से लोग हैं वो एड्स से प्रभावित हैं बेचारे दुखी हैं कुछ ऐसी जगह में फंसे हुए हैं कुछ लोग बंदीगृह में हैं कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में बीमारी में है ला इलाज बीमारी है कुछ आपके जीवन में कुछ ऐसी आर्थिक स्थिति है और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके घर में कले है और आपका बेटा आपका कहना नहीं मानता या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते या आपका पति पत्नी के संबंध ऐसे हैं इन सब परिस्थितियों में परमेश्वर यशु की विचारधारा बाइबल की विचारधारा आपके जीवन को परिवर्तित कर सकती है अगर आप विश्वास करके पापों की क्षमा मांगकर उसके राज्य में प्रवेश करेंगे उसको जानेंगे व्यक्ति के रूप से उसके साथ संबंध बनाएंगे उसके वचन को पढ़ेंगे उसके वचन में उसके जो वाचाएं हैं जो उसके वायदे हैं जो उसकी हमारे प्रोमिसज हैं उसको पढ़ेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी आपके जीवन में समन्वय आएगा आपके जीवन में सुख आएगा बाइबल ये बताती है कि वो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है वो है गॉड ऑफ अबंडेंट लाइफ बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर है आइए हम आपके आपके परिवार के लिए हर दर्शकगण के लिए प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जो हमारे दर्शकगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु हम उनके परिवार में शांति और सुख की कामना करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा हाथ उन परिवारों पर हो उनके घर में प्रभु तेरा हस्तक्षेप हो उनके घर के चारों तरफ प्रभु तेरे पवित्र लहू और तेरे वचन का प्रभाव हो प्रभु उनकी दीवारों पे तेरी मुक्ति का संदेश हो और प्रभु वो तेरे को व्यक्तिगत रूप से जान पाए प्रभु तो उनको प्रेरित कर कि तुझ तेरे साथ संबंध बनाए जिससे प्रभु यशु मसीह उनका जीवन अनंत हो मरने के उपरांत और ये जीवन बहुत आए तो प्रभु उनके जीवन की दुख तकलीफ संकट को बता वो तेरे उद्देश्य को समझे वो ये जाने कि तू ही सचमुच जीवन की रोटी है ये जो वैसी रोटी है ये तो है ही है प्रभु ये तो हमारे जीवन को चलाने के लिए शरीर को चलाने के लिए लेकिन जो आत्मा की रोटी है वो आप हो प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शकगण इस संदेश को सुन रहे हैं उनके हृदय में आप आओ उनके साथ संबंध बनाओ उनके साथ वास करो प्रभु उनको ऐसा अनुग्रह दो कि वो आपको पुकारें हाँ ये सब हम उद्धार करता प्रभु यशो मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगते हैं सुन और कबूल कर आमेन आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा अगले कार्यक्रम में आपके साथ फिर मिलेंगे नमस्कार